Hey guys, हसनस्ते फिर भी हम चलते हैं। So guys, finally जो मेरा आज का ब्लॉग है पूरा केराटिन के ऊपर, आज का पूरा वीडियो मेरा पूरा केराटिन के ऊपर, आज का अपन घर पे कैसे केराटिन करने, अभी मेरा बाल देख सकते हो कैसा है कैसा नहीं। So guys, आज का वीडियो में आपको बताऊंगा केराटिन कैसा किया जाता है कैसा नहीं। So guys, finally आज मैं फ़ोन किसका है बताओ। ओके गाइस, सो आज की जो वीडियो है गाइस बहुत खास है। So guys, क्योंकि बाल को केयर कैसा करना चाहिए कम समय में और केराटिन कैसे अच्छे से रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता चलेगा, केराटिन कैसे अच्छे से करना चाहिए डूड। सो गाइस, आज की वीडियो देखते रहना शुरू से एंड तक, बहुत इंजॉय करेंगे और वीडियो में एंड तक देखते रहना और डूड। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो गाइस कट मत देखना, वीडियो को इंजॉय करना डूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, ये हेयर से मैं बहुत जितना मेरे को नॉलेज है हेयर घर में मैं आपको भी बताऊँगा कैसे आप हेयर अपना अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो वो भी कम समय में, अपने बाल डैमेज नहीं होंगे वो सब वीडियो बताऊंगा। सो गाइस, स्टेप टू स्टेप कैसे क्या करना है आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो डब्बा है केराटिन का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इसका नाम भी बहुत दिख रहा होगा आपको, केराटिन उल्टा प्रेम देख सकते हो गाइस। ये जो डब्बा है एक केराटिन डब्बा, इसमें पूरा केराटिन ही है। सो गाइस, और आज इस केराटिन करने के भी स्टीम करेंगे, स्टीम करने का आपको रिजल्ट पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं डूड। और हाँ, केराटिन से पहले आपका कंडीशन और शैम्पू अच्छा अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का होनी चाहिए, क्योंकि बाल वो हो जाता है गाइस, अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज नहीं करोगे तो बाल लॉक हो जाएंगे, फिर केराटिन करने में तकलीफ होता है बाल। और अच्छा बाल के लिए आपको ग्रोथ करना अच्छा शैम्पू और कंडीशनर अच्छा लगा गाइस डूड, तो उससे आपका बाल डैमेज नहीं होगा, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कंडीशन और शैम्पू लगाता हूँ गाइस, और वो सब जाने दो। सो चलो स्टार्ट करते हैं भी ठीक है, और शुरू से तक देखते हैं। और वीडियो पसंद आए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। सो गाइस, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आई डी दे दूँगा। सो अभी मेरे बाल तो मैंने पूरा कंडीशनर के साथ धोए, अभी हमको करना है हेयर ड्राई से सुखाना है, वैसे आते तो सूख गया और अच्छे से सुखाना है वो भी वीडियो में आप इंजॉय करो, सिनेमैटिक पूरा इंजॉय करते जाओ गाइस डू। चलो स्टार्ट करते हैं बी टी यू। सो फाइनली मैंने हेयर ड्राई से पूरा बाल को एकदम फेस कर एकदम सुखा लिया बाल को गाइस मैंने अपने हेयर को। और डूड, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, ग्लव्स तो गाइस मेरा गुल हो गया तो मैं आज ग्लव्स नहीं पहनूंगा, आज मैं बिना ग्लव्स को, जो गाइस जो फर्स्ट टाइम करेंगे केराटिन को प्लीज़ ग्लव्स हाथ में होनी चाहिए, मेन बात वही होती है। और एक बॉल चाहिए और एक ब्रश चाहिए, अभी हम दो गाइस के काम आने, अभी ये तो ये काम में आएगा गाइस डूड और क्रीम। सो अभी तो शुरू से देखते रहना डूड, बहुत इम्पोर्टेंट आज की वीडियो। सो गाइस, और हमको ये सब छोटा मोटा आप तो जानते हो कि कंगी विंगी कौन क्या। सो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सुन तक देखते रहना वीडियो, बहुत मज़ेदार है, सिनेमैटिक पूरा एंजॉय करना डूड, कैसे कैसे मैं क्रीम लगाता हूँ कैसे कैसे नहीं डूड, आपको भी फ़ायदा करेगा जो आप कम समय में जल्दी में आप कर सकते हो। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऑटो तो पूरी टोटल हो गई मैडम, अब आप टैक्सी बुला लो ऑनलाइन। अब इतनी बारिश में हम यहाँ नहीं रुक सकते, अब हम जा रहे, अब आप जानो और आपका ऊपर वाला जाने। क्या नखरे वाली लड़की, जूते बिकने के चक्कर में ऑटो से उतर ही नहीं रही है, परेशान कर दिया है। एक्सक्यूज मी, उस तरफ वॉक करके जा रहा था, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। आप
मैं तो आपके जूते में रख सकता हूँ, मेरे पॉकेट में सेफ रहेंगे। जूते संभाल लिए ना, थैंक यू। अब मुझे संभालने की ना ट्राई भी मत करना, और 2 गज दूर। कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। तू जो है नाराज मेरी सांसें ना चले, मान जा तू जीना ये आसान कर दे। तू खोल मेरे दिल को गाना तेरे सिवा। ओके सो फाइनली मैंने केराटिन क्रीम लगा ली, पहले देख लो। ओके तो हम इसको 50 मिनट तक रखते हैं होल्ड, और फिर 50 मिनट के बाद हम आइनिंग चालू कर देंगे। आइनिंग के फिर बाद वो अभी बता दूंगा, कुछ फ़ायदा नहीं डूड। तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। ओके सो बाय, फाइनली आधा वीडियो के बाद। ओके डूड, तो गाइस अभी के नाम इसको 50 मिनट तो होल्ड करते हैं, फिर 50 मिनट के बाद फिर इसको वॉश करेंगे, फिर आइनिंग के बाद वो आप वीडियो में देखते जाओ। डूड आइनिंग कैसे मारने का कैसे नहीं, डूड आप फ्रिज एक बार देख लो। ये हमारी केराटिन क्रीम लग चुकी है पूरे हेयर में, और डूड इसका रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। सो गाइस अब हम इसको वेट करते हैं, वेट करने का फिर हम इसका रिजल्ट बता देंगे डूड। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना। सो अभी हम वेट करते हैं 50 मिनट। ओके सो फाइनली अभी हमारा केराटिन प्रोसेस हो चुका है, अभी हम इसको आइनिंग करेंगे। हमने इसको कितना 25 तक मिनट तक रखा है गाइस डूड, और अब हम बस इसको बस हम आइनिंग करेंगे कुल 1 मिनट। ओके गाइस सो फाइनली अभी हम आइनिंग करना है, और आइनिंग अभी सीधे केराटिन के ऊपर ही हम आइनिंग करेंगे। आइनिंग करने के बाद वॉश करेंगे, फिर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। सो गाइस अभी वीडियो को शुरू से देखते रहो, और ज्यादा क्या सिनेमेटिक एंजॉय करते रहो। ब्लैंक बीट्स प्रोडक्शन। हम ही बोल दे, हो
वहां चल के आ जाएंगे, भीगे भीगे मौसम खिले थे जहां, तेरे मेरे रास्ते मिले थे जहां, बाहों में तेरी दिन ढले थे जहां, अगर मैं फाइनली मेरा कैटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। गाइस कितना बॉम आया है घर पे मैंने किया गाइस। तो सो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी इतना अच्छा एक कमेंट करके प्यार से भेजना डूड, देख सकते हो गाइस। कितना बॉम आ चुका है कैटिंग का रिजल्ट, आप हम इसको प्यारा से एक लुक देंगे। ओके प्यारा से इसको एक लुक देंगे फिर हमारा ब्लॉग वहीं एंड होगा। सो चलो हम स्टार्ट, हम लुक देते हैं। सो एक प्यार से लेमेट को एंजॉय करते जाओ। सो फाइनली देख सकते हो कितनी बॉम कैटिंग हो चुका मेरे हेयर का। सो गाइस पूरा देखो गाइस मेरे घर पे क्या, मेरे को इतना आइडिया नहीं है कैसे करते कैसे नहीं कैसे। तो भी सो मैं यूट्यूब से वीडियो देखी और बहुत जन की कैरेटिंग की देख, बहुत बड़े सैलूनों की मैंने वीडियो देखी। सो तभी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज लिया उनसे, तब मैं सोचा मैं भी घर पर ट्राई करके देखता हूँ। तो अभी सो गाइस मेरे लिए बहुत गाइस बहुत अच्छा रिजल्ट आया गाइस, देख सकते हो।
कितना बॉम्ब आया है गाइस, देख सकते हो कौन सा भी लुक रख सकता हूँ गाइस। देख सकते हो गाइस कितना अच्छा रिजल्ट आया कैरेटिंग का, देख लो गाइस। ओके सो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्यारा सा एक कमेंट करके जरूर जाना। सो गाइस मैंने आज घर पे ट्राई किया, मैं सोचा सब लोग करते तो मैं भी करके देखता हूँ। सो गाइस तो सुखा में देरी की डूड, तो सो गाइस मैंने फाइनली मैं आज करके देखा तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, देख सकते हो गाइस। ओके तो गाइस कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, सिनेमेटिक ज़्यादा हो गया डूड, तो भी सही है गाइस, क्यों मैंने शुरू से एंड तक पूरा बताया कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे करना है कैसे कैसे नहीं, और आप कंफ्यूजन नहीं होगे, आराम से आप घर पे भी कर सकते हो डूड के एडिटिंग। सो तो आई होप एंजॉय माय यूट्यूब चैनल। ओके डूड अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ज़रूर बताना कैसा आया रिजल्ट कैसा नहीं, और ऐसी ब्रांड न्यू ब्लॉग के लिए मेरे को बताओ गाइस मैं कौन सा ब्लॉग बनाओ कौन सा नहीं। सो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना क्या बनाने क्या नहीं। सो गाइस सो अभी के लिए बाय, बहुत प्यारा लुक आया है डूड, टाटा देन, कितना प्यारा लुक आया है डूड। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।